नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं इनइक्वालिटी या असमानता। ये दोस्तों बैंक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसएससी में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा, क्योंकि इसे बहुत ही लेंदी चैप्टर माना जाता है। इतना आसान बना दूंगा कि दुनिया का कोई प्रश्न आपसे नहीं फंसेगा। बस दोस्तों आपको कंसंट्रेट होकर के देखना है और एक एक चीज को समझना है। क्लियर? बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ लोगों ने इसको हार्ड बना रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं असमानता। तो दोस्तों एकदम बेसिक से मैं उठा रहा हूं, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है वो भी इस चैप्टर में महारत हासिल कर लेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी या असमानता में दो चीजें बनेंगी। एक दोस्तों क्या बनेगी? समानता। ध्यान से सुनेंगे पहले, एक बनेगी समानता या इक्विवेरियम। क्लियर? एक क्या होगा अगर हम यहां पर कर देंगे इक्विवेरियम। क्लियर? इक्विवेरियम की कंडीशन बनती है और दूसरी इक्विवेरियम की एक कंडीशन बनेगी और दूसरी क्या बनेगी? असमानता बनेगी, नॉट इक्विवेरियम। एक क्या बनेगी? असमानता। क्लियर? दूसरी असमानता, एक समानता होती है और दूसरी असमानता होती है। यहां अगर हम लिखेंगे तो नॉट इक्विवेरियम। क्लियर? अब जरा दोनों को ध्यान से पहले समझो एकदम बेसिक से। सबसे पहले अगर ये चीज दी गई है तो दोस्तों इक्विवेरियम की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? समानता। अगर मान लेते हैं कोई एक ये तराजू है, ध्यान से समझो, अगर ये कोई एक तराजू है, इसमें एक ये पल रहा है और एक साइड ये पल रहा है। क्लियर? और ये दोनों बराबर की कंडीशन में है, यहां ये पकड़ने वाला तराजू हो गया। क्लियर? अब जब आपने देखा तो दोनों पलड़े हमारे क्या हैं? ये बराबर में है, इक्विवेरियम की कंडीशन में है, समानता की कंडीशन में है। क्लियर? तो अब हमने क्या सीखा, अगर इसको मैं एक एग्जांपल से लेके देखूं, जैसे अगर मैं इसे एक एग्जांपल से लेके देखूं कि अगर हमने कर दिया ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अगर एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका दोस्तों मतलब यह है कि जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला हमारा पोर्शन है, वो किस पोर्शन के बराबर है? जीरो के बराबर है। क्लियर? इसका मतलब है इस तरफ तराजू में अगर ये वैल्यू रख दें और इस तरफ जीरो रख देंगे तो क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इसी को अगर हम ऐसे समझें, देखिए साइड में, अगर हमने इसी चीज को ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं, इज इक्वल टू फाइव। क्लियर? ध्यान से समझें, अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स बराबर फाइव अगर रख दिया तो करते क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब बराबर के इस तरफ कोई वैल्यू आती है तो माइनस में हो जाती है। क्लियर? अगर इधर प्लस है, बराबर के जब इधर से उधर जाएगी तो माइनस इधर से उधर आएगी, कहने का मतलब चिन्ह बदल जाता है। बराबर के जब वैल्यू लेफ्ट और राइट में जाती है तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अब इधर अगर प्लस पांच है तो इधर आएगा तो माइनस पांच हो जाएगा, कहने का मतलब यह है। आप क्या कहना चाहोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसको ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट तो इसको कर दिया, लेकिन जो इसका नियम कहता है वो क्या होता है जरा ध्यान से देखो। कहने का मतलब एक तरफ ये तराजू में इतना रखा है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स और दूसरे तराजू में पांच रखा है, ये बराबर में है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, अगर हम दोनों पक्षों में से पांच इधर से घटाएंगे और पांच इधर से भी घटाएंगे तो वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हम ये काम करते हैं तो क्या होता है, पांच हमने इस वाले पलड़े से घटाया और पांच इस पलड़े से घटाया। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए इतना आपको
इतना मान लीजिए आपको अमरूद खरीदना है, इतना अमरूद, एक किलो अमरूद, एक किलो का बटकरा, या ऐसे समझ लो 5 किलो का अमरूद है, 5 किलो का बांट है जो तौल के बराबर है। मान लीजिए माता जी ने फोन कर दिया क्लियर कि इतना 1 किलो अमरूद कम कर दो, 4 किलो अमरूद ले लो, तो अगर वो 1 किलो इस पलरे में से हटाएगा तो 1 किलो उसको इस पलरे में से भी हटाना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। और यही दोस्तों आगे चल के ये चीज बन जाती है, पहले यहां से यहां और फिर यहां से यहां, क्लियर हो गया। तो अब ये 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो गया, जो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम तभी बनेगा जब वो क्या होगा। अब जरा देखोगे कि ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इतनी वैल्यू 0 के बराबर है। अब इसी को, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब समानता का हमने एक चीज समझा कि समानता का चिन्ह क्या होता है, ये होता है जिसमें वैल्यू क्या होती है, RHS बराबर LHS, RHS बराबर LHS, क्लियर, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। तो आपने एक चिन्ह यहां से निकाला किसका, बराबर का, ये क्या हो गई, समानता। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर का नाम क्या है, असमानता, तो आपको समानता तो पढ़नी ही नहीं है, जहां पर ही समानता का चिन्ह आता है वो आपका ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको समानता पढ़नी ही नहीं, क्लियर। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल ले लें कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, अगर कोई पाकिस्तान की चर्चा करे तो हम क्या करेंगे, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, सिर्फ इंडिया से मतलब है, इंडिया के विकास से मतलब है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से मतलब है, क्लियर, इंडिया की पॉलिटिक्स से मतलब है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही यहां पर समझ लीजिए कि इस चैप्टर का नाम क्या है, असमानता, हमें असमानता पढ़नी है ना कि समानता, क्लियर। तो हमें यह समानता पढ़नी ही नहीं है, जहां पर ही बराबर का चिन्ह आता है या समानता का चिन्ह आता है वो हमारा विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे असमानता पे, पहले इतना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्लियर, इतना नोट कर लें, असमानता। अब हम चलेंगे असमानता, समानता क्या होती है, अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, क्लियर, आइए इसको मेट देते हैं, समानता को मेट देते हैं, अब हम चलते हैं असमानता पे, क्लियर। अब दोस्तों देखिए असमानता क्या कहती है, सभी बच्चे यहां ध्यान से देखें, असमानता, क्लियर, चलिए इसको बीच में लिख देता हूं, असमानता, देखिए असमानता, क्लियर। अब यहां पर देखेंगे असमानता क्या होती है, असमानता हमारी दो तरीके से होगी, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, दो तरीके का मतलब है कि अगर हमने इस तरीके से तराजू बनाया और यहां पे हमने एक ये पलरा लगाया, एक पलरा ये लगाया, पलरा मतलब जो उसमें रखते हैं, क्लियर, तराजू में प्लेट जो लगी होती है, और यहां ये पकड़ने वाला हो गया, तो अब जरा ये बताओ कि ये पलरा इधर की तरफ भारी है और जिधर की तरफ मुंह खुलता है वो मान क्या होता है, बड़ा होता है, जिधर की तरफ मुंह खुलता है वो मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब इसका मतलब है कि ये वाला पलरा क्या है, भारी है। अब दूसरी कंडीशन पे हमने एक तराजू और बनाया, एक तराजू ऐसे बनाया और यहां पर हमने एक ये लगाया और एक हमने यहां पे ये लगाया और एक हमने यहां से ये किया। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे पकड़ने वाला हो गया, अब इस समय कौन सा भारी है, ये भारी है, क्लियर। कहने का मतलब है जिधर की तरफ मुंह खुला होता है, चिन्ह का मुंह जिधर की तरफ खुला होता है वो मान हमेशा बड़ा होता है पूरी मैथमेटिक्स में। अब ध्यान से समझें, हमने दो चीजें समझ ली कि एक ये हो गया और एक ये होगा। अब इसमें हमें दो चिन्ह मिले, एक ग्रेटर देन आप इसको कह सकते हो, इसको लेस देन कह सकते हो। लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि देखिए लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा, और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो अब लेस देन और ग्रेटर देन को आप मन से निकाल दीजिए, केवल इतना याद रखिए कि जिधर की तरफ मुंह खुलता है वो मान सदैव बड़ा होता है, क्लियर। आइए देख लेते हैं, तो दो चीजें हमें समझ में आई। अब दोनों का मैं एक एक इक्वेशन ले लेता हूं। अभी हमें बराबर का चिन्ह मिला था, क्लियर, अब हमें क्या मिल गया, एक चिन्ह और मिल गया, ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन पढ़ लो, इसको हम लेस देन पढ़ लें, क्लियर। आइए देखिए,
अब जैसे इसको हमें करना है तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स ग्रेटर देन हमने यहां पर कर दिया 5 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मान इस मान से क्या है, बड़ा है। और अगर इधर चलेंगे तो मान लीजिए हमने कर दिया एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स ग्रेटर देन इधर क्या हो जाएगा 5, तो इसका मतलब इससे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। क्लियर, तो ये आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। क्लियर, ये चीज भी आप लोग इसमें नोट कर लें। कहने का मतलब है कि ग्रेटर देन और लेस देन, क्लियर, दो चीजें हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से करिए। क्लियर हो गया, अब जरा ध्यान से देखें, अगर ये चीज हो गई, अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी तो बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कहने का मतलब है और लेस देन इक्वल टू, बड़ा और बराबर भी हो सकता है। तो अब इसी को अगर हम आगे चल के लिखें, मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, जैसे यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इधर मान लेते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, दूसरा एक समीकरण बना दे, कहने का मतलब है कि ये वाला समीकरण इसके बराबर भी है और इससे बड़ा है। जैसे ऐसे समझ लो, अगर हम यहां पर कर दें 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो कहने का मतलब है कि ये 5 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या होगा, 5 और 6 ही तो हो सकता है। क्लियर, तो ये 5 भी मान हो सकता है और ये मान 6 भी हो सकता है। ऐसे करो ज्यादा समझ में आएगा। हमने ए कर दिया मान लीजिए, तो यहां पर क्या है कि ए 5 के बराबर भी है, यानी कि इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 5, और क्या लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन 5, दो चीजें कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि ये मान हमारा क्या है, बड़ा है और बराबर भी है। क्लियर, अब वैसे ही आप इधर कर लेते हैं, तो इसके लिए अगर हम समीकरण एक बनाएं तो देखिए दोस्तों क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, क्लियर, और प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये मान इसके 0 के बराबर भी है, ये 0 के मान बराबर भी है, और क्या है, ये वाला जो उधर मुंह खुल रहा है इस मान से ये मान बड़ा है। जैसे ऐसे कर लेते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर, अब ये उल्टा है, इसका मतलब होगा कि आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5, बड़ा है, और इसको लिख सकते हैं a इज 5, यानी कि 5 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। क्लियर, तो अब आपके सामने इसमें से 4-5 चिन्ह, क्लियर, 5 चिन्ह आपके जनरेट हो गए इस असमानता के लिए। तो आपने समानता समझ लिया क्या है, अब आपने असमानता भी समझ लिया क्या है। क्लियर, असमानता में दो चिन्ह होंगे, ग्रेटर देन लेस देन, क्लियर, और एक आपका इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। क्लियर, तो अब इतना आप लोग समझ लीजिए, अब आइए आगे चलते हैं। क्लियर, कोई भी पक्षांतर आप कर दीजिए, पक्षांतर का मतलब देखिए, जैसे हमने कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी एक्स बराबर सी, तो इसका पक्षांतर करेंगे अगर तो ए बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। अगर यहां पर माइनस लगा दें, क्लियर, अगर यहां पर हम माइनस लगा देते तो हमारा क्या हो जाता, ए स्क्वायर बी एक्स इधर आके प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो अगर यहां पर हमारा ये लगा है तो हमारा ये बनेगा, और यदि यहां पर माइनस सी है तो हमारा ये बनेगा। क्लियर, क्योंकि बराबर के बाद, बराबर के राइट लेफ्ट में जो भी चिन्ह है वो पक्षांतर करने पर या इधर से इधर, इधर से इधर लाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये बहुत छोटी चीजें हैं दोस्तों, और छोटी चीज कभी छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि आधार और बेस सब कुछ छोटे पर ही डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। तो आपने समानता समझ लिया और असमानता समझ लिया, अब समानता और असमानता से आपके सामने 5 चिन्ह जनरेट हुए। क्लियर, 5 साइन जनरेट हुए। देखिए वो 5ों साइन क्या हैं, असमानता और समानता में कहने का मतलब केवल और केवल 5 चिन्हों का ही प्रयोग होना है। सबसे पहले क्या कर दें, सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया, इक्वालिटी या समानता, और दूसरा फिर यहां पर क्या आया, ग्रेटर देन। क्लियर, फिर क्या आया, लेस देन,
फिर क्या आया ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर क्या बन आया लेस देन इक्वल टू। क्लियर, ये पांच चिन्हों पर पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। क्लियर, अगर ये पांच चिन्ह, छठवां चिन्ह इसमें यूज नहीं होगा, कहीं से बन ही नहीं सकता, केवल और केवल इतने ही चिन्हों का प्रयोग पूरी असमानता में किया जाएगा। अब जरा देखो इसमें जो हम बनाएंगे अगर असमानता, तो करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे एक एक वर्ड। क्लियर, जो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं अगर दोस्तों वो चीज आपने समझ ली, क्लियर, तो कभी भी आपका असमानता का प्रश्न नहीं फंसेगा। देखो कैसे, अगर मैं यहां से लिखूं, मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन, हम यहां पर कर देते हैं डी, अब यहां से लेस देन ई, फिर कर देते हैं एफ, फिर कर देते हैं जी। क्लियर, अब फिर यहां से अगर हमने ये किया, फिर कर देते हैं ग्रेटर देन जी के बाद, फिर हमने ये कर दिया जी एच। क्लियर, फिर हमने कर दिया मान लीजिए आई। क्लियर, हमने कर दिया आई, तो अगर हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कर दिया, अब ध्यान से देखो अगर हमने मान लीजिए यहां पर क्या लगा दिया बराबर का चिन्ह लगा दिया। क्लियर, फिर हमने यहां पर क्या कर दिया आई के बाद हमने कर दिया जे, फिर हमने यहां से इधर को लगा दिया, फिर हमने क्या कर दिया जे, फिर हमने कर दिया के। क्लियर, फिर हमने के कर दिया जे के, फिर हमने कर दिया एल जे के एल, फिर हमने जे के एल एम, फिर हमने क्या कर दिया एम जे के एल एम, फिर हमने यहां पर क्या कर दिया ध्यान से देखिएगा जे के एल एम, फिर हम कर देते हैं मान लीजिए एन। क्लियर, एन, और एक और लास्ट में हम कर देते हैं बराबर एम एन ओ पी, मान लेते हैं ये चीज हमने एक नोट कर दी। दोस्तों पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो इसी में छुपा हुआ है। क्लियर, तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो देखो कैसे, पहले समझिए, कहने का मतलब ये है इसमें कि अगर देखो हम यहां पर चल रहे हैं, पहले ऐसे समझो अगर यहां पर चल रहे हैं तो देखिए यहां पर कुछ आपको एक नई चीज दिख रही है, ये अगर हम करें तो ये क्या है बंद बंद अंदर की तरफ है, इसे हम क्या कहेंगे बंद बंद, क्या कहेंगे बंद बंद अंदर की तरफ, बंद बंद, देखिए अंदर की तरफ क्या है दोनों बंद है, बंद बंद अंदर की तरफ, ये हो गया। अब यहां पर देखो इसमें और इसमें एक आपको नई चीज दिख रही है। क्लियर, ये दोनों इस तरह से अंदर था, ये दोनों में इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा खुला खुला, ये हो जाएगा आपका खुला 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 अंदर की तरफ, खुला खुला अंदर की तरफ हो। अब नेक्स्ट इसको देखो, फिर आगे और बढ़े तो यहां पर देखिए इसके और इसके बीच में भी एक नई चीज आपको देखने को मिल रही होगी, और इसके इसमें आपको देखने को दोनों चीज क्या मिल रही है बंद 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 अंदर की तरफ, क्या है बंद बंद अंदर की तरफ। अब यहां आ जाओ इसमें और इसमें, देखिए एक आपको नई चीज दिख रही होगी, क्या है दोनों खुली खुली प्लस इक्वल टू के साथ है या इक्वल के साथ, इसमें दोनों बंद बंद विद इक्वल के साथ, यहां पर क्या हो जाएगी खुली 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 खुली, ये दो बार का है खुली खुली अंदर की तरफ, अंदर की तरफ खुली खुली अंदर की तरफ है, और लास्ट में आपको क्या है एक बराबर का दिया गया है, ये क्या हो जाएगा बराबर का चिन्ह। क्लियर, तो कहने का मतलब देखिए जो जो हमको चाहिए सब मिल रहा है, बंद बंद अंदर की तरफ, खुली खुली अंदर की तरफ, बंद बंद अंदर की तरफ इक्वल टू के साथ, बंद बंद खुली के साथ, और ये बराबर। क्लियर, इतना दोस्तों आप लोग बना लीजिए इसको, इतना आप पहले कंप्लीट कर लें। इतना आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं, बंद बंद अंदर की तरफ और खुला खुला अंदर की तरफ। क्लियर, आइए देखते हैं अब कैसे करेंगे। अब जो यहां पर दिया गया है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो दो चीज समझो, अगर ये चीज दी गई है
तो एक कहने का मतलब है कि जो बंद बंद आकृति होती है, ये बंद है, बंद आकृति का संबंध बाहर वालों का बाहर वाले से नहीं बताया जा सकता, क्लियर, लेकिन बंद आकृति का राइट और लेफ्ट से संबंध बताया जा सकता है। जैसे आइए यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे यहां पर देखो एक एक चीज समझिएगा, कहने का मतलब है ए बी सी डी सी डी और यहां पे ई, ये दिया है। तो अब देखिए बंद बंद अंदर की तरफ है, तो इसका जो रिलेशन है बंद बंद आकृति के अंदर, ध्यान सुनिए, बंद बंद आकृति के अंदर, ये बंद बंद है ना, बंद बंद आकृति के अंदर की जो भी संख्या है या जो भी अल्फावेट है उसका संबंध उसके बाहर वालों से कभी नहीं बताया जा सकता। इसका इससे संबंध नहीं बता सकते, इसका इसका संबंध नहीं बता सकते। कहने का मतलब है कि ये बीच में क्या है, ड्रॉप है, तो कभी ए का डी से रिलेशन आप नहीं बता सकते, कभी बी बी का डी से नहीं बता सकते, कभी भी बी का आप ई से नहीं बता सकते, कभी ए का आप डी से नहीं बता सकते, कभी आप इसका इससे नहीं बता सकते, क्लियर। क्यों नहीं बता सकते, बीच में क्या है, मान लो गंगा जी हैं, बीच में ये गंगा जी हैं, क्लियर, और पुल नहीं है, तो क्या डी कभी बी के पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ए कभी किसके पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, पुल ही नहीं है। और अब पुल नहीं है तो हम कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो, अगर ये है बट इसका रिलेशन जो सी है, सी का रिलेशन राइट में भी बताया जा सकता, लेफ्ट में भी बताया जा सकता है, और सी का रिलेशन लेफ्ट के साथ भी राइट के साथ भी बताया जा सकता है, बट ऊपर का इनके साथ नहीं बताया जा सकता है। तो देखिए मैं जैसे पढ़ के सुनाता हूं, बंद बंद आकृति की तरफ, बंद बंद आकृति या खुली खुली, खुली खुली अंदर की तरफ हो तो बंद बंद या खुले खुले के बाहर किसी का किसी से संबंध नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बंद बंद और खुले खुले के, खुले खुले के अंदर उस राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से संबंध बताया जा सकता है। कहने का मतलब है इसका, अगर कोई यहां पर आपसे कह दे ए इज ग्रेटर देन डी, क्या होगा, तो ए और डी देखो बंद बंद के बाहर है, गलत, कभी नहीं हो सकता। कोई अगर आपसे पूछ दे ए इज लेस देन ई या ग्रेटर देन ई, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में वैल्यू क्या है, बंद है। अब कोई आपसे पूछ दे बी और डी का, तो कोई अगर आपसे पूछ दे बी इज ग्रेटर देन डी, तो क्या हो जाएगा, बी और डी का, क्यों, बंद बंद आकृति के बाहर वालों से कोई संबंध नहीं बताया जा सकता। फिर आप अगर कोई कह दे B is greater than या B is less than, कुछ भी कर दो, less than E, नहीं बताया जा सकता, क्यों, ये बंद बंद आकृति के बाहर वालों से कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता। बट C का रिलेशन दाहिने से भी बताया जा सकता है और बाएं से भी बताया जा सकता है। तो जैसे देखो यहां पे अगर कोई कह देता है A is greater than C, तो क्या होगा, बिल्कुल सही है, कहने का मतलब C से बड़ा B है, तो B से बड़ा A है, तो इससे बड़ा तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इधर से पूछ ले कोई, तो क्या हो जाएगा, B is greater than C, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बताया जा सकता है। अब C का रिलेशन इधर वालों से भी बताया जा सकता है, तो कोई अगर कह दे D is greater than C, तो ये इससे बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, इससे, तो ये भी क्या हो जाएगा, बताया जा सकता है। फिर कोई आपसे पूछ ले यदि यहां पर पूछ ले E is greater than, क्लियर, E बड़ा है किससे, C से, तो E बड़ा है C से, सही बात है, क्लियर। तो जो C है उसका रिलेशन दाहिने वालों से भी बताया जा सकता है और इसका रिलेशन बाएं वालों से भी बताया जा सकता है, दाएं बाएं बताया जा सकता है, लेकिन इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन बाहर वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। अब इस चीज को समझने के लिए सेम यहां पर भी समझ लीजिए, यहां पर भी क्या है, बंद बंद और खुला खुला है, तो बंद बंद का संबंध बाहर वालों से नहीं बताया जा सकता है, बट इसका राइट भी बताया जा सकता है और इसका लेफ्ट भी बताया जा सकता है। फिर यहां पर आ जाइए, बंद बंद के अंदर इसका रिलेशन आउटर में कहीं नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसका दाहिने भी बताया जा सकता है और दाएं भी बताया जा सकता है। देख लीजिए जो यहां बताया हूं, वही कंडीशन इसकी है, क्लियर, कि अगर बंद बंद खुली खुली अंदर की तरफ है,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ना तो बा इसका इससे रिलेशन बताया जा सकता है, इधर कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता है, बट इसका दाहिने भी बताया जा सकता है और बाएं भी बताया जा सकता है, क्लियर। और रही बात किसकी, बराबर की, तो बराबर हमको पढ़ना ही नहीं है, हमें इक्वलिटी नहीं पढ़ना है, इनइक्वलिटी पढ़ना है, इसलिए जहां पर बराबर का चिन्ह आता है देखते ही उसको गलत कर देना है, क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी चीज को हम और एक तरीके से समझाते हैं, क्लियर, ध्यान से देखिएगा। पहले समझ लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, अगर समझ नहीं पाएंगे तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, और अगर आप समझ गए तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, परमानेंट आपके पास हो जाएगा। जैसे देखो पहले समझो, अगर मैं एक चीज ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ पाएंगे। यहां पर क्या है, मान लीजिए यह है ओपन गेट, ऐसे करता हूं, ओपन गेट मतलब ऐसे चिन्ह है, इधर से दरवाजा खुला है, लेकिन यहां पर क्या है, क्लोज्ड गेट, यहां पर क्या है, इधर से अगर चलेंगे तो दरवाजा बंद है, लेकिन इधर से चलेंगे तो दरवाजा खुला है, क्लियर, क्योंकि मुंह इधर की तरफ खुला है। अगर इसी चीज को हम ऐसे कर दें, अगर इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन गेट, ये क्या हो जाएगा, ओपन गेट है, इधर से आप घुस सकते हो, लेकिन अगर इधर से आपको जाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज गेट, क्या हो जाएगा, क्लोज गेट, क्लियर। तो ओपन गेट और क्लोज गेट, अगर आपको ओपन गेट और क्लोज गेट समझ में आ गया, इधर से मान लो घुसना है तो ओपन है ना दरवाजा, इधर से घुसना दरवाजा बंद है, इधर से घुसेंगे दरवाजा बंद है, इधर से घुसेंगे दरवाजा खुला है। अगर इसी को हम बराबर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ओपन गेट, क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन गेट, और इधर से भी क्या हो जाएगा, ओपन गेट, बराबर है, बट बराबर की कंडीशन हमें पढ़नी नहीं है। तो दो चीजें मिली, एक ओपन गेट और एक क्लोज गेट, दो चीज मिल गई, ओपन गेट क्लोज गेट। आइए देखते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट को कैसे हम यूज करते हैं। जैसे इसी में ले लीजिए जो मैंने अभी लिया था, क्या लिया था जरा देखो, यहां हमने लिया था मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, फिर यहां पर डी, फिर यहां पर ई, क्लियर। अब कोई आपसे कह देता है, ये दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर, यहां पर देखो खुली खुली है कि नहीं, यहां पर क्या है, खुली खुली आकृति है। अब कोई आपसे अगर कह दे पहला कि बताइए सर ए ए इज ग्रेटर देन डी, क्लियर, समझिए ए इज ग्रेटर देन डी, क्या डी का मान ए से, ए का डी का जो ए है उसका डी से मान बड़ा है, क्योंकि जिधर मुंह खुलता है वो मान बड़ा होता है। तो अब आप करिए कि ए से घुसना है और डी पर पहुंचना है, तो जरा इसमें क्या आप ए से डी पर पहुंच पाओगे, देखो ए से घुसेंगे बी पर पहुंच गए, सही है, बी से सी पर पहुंच गए, लेकिन अब देखो दरवाजा बंद है ना, दरवाजा बंद है तो आप नहीं जा सकते, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर। फिर दूसरा और देख लेते हैं, अगर कोई आपसे कह दे कि मान लीजिए हमने कर दिया बी इज लेस देन ई, क्लियर, बी इज लेस देन ई, कहने का मतलब है क्या बी से बड़ा ई है, क्या बी से बड़ा ई है, तो आई यहां पर देखो, अगर ई से हम घुसे तो ई से घुस के कहां पहुंचना है, बी पर, ई से घुसकर हमें बी पर पहुंचना है। अब जरा यहां पर जरा घुसो, तो यहां से घुसेंगे, सही है, ओपन है, ओपन है, ओपन है, बट देखिए सी के बाद क्लोज है, अब आप इसमें नहीं घुस सकते, नहीं घुस सकते, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर। दोस्तों बहुत सिंपल है, सिर्फ पकड़ना है, जो मैंने यहां पर ही बताया था कि बाहर वालों का कोई रिलेशन नहीं होगा, बट अंदर वाले का जो है राइट भी होगा और लेफ्ट भी होगा। फिर से समझो, अगर यहां पर मान लीजिए तीसरा है, अगर कोई कह देता आपसे A is greater than C, कहने का मतलब A से घुसना है और C पर पहुंचना है, जरा इसमें देखो, A से घुस गए B, सही है, और B से घुस गए C, हाँ A से हम C पर पहुंच सकते हैं, this is the right answer, क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो अब कोई अगर और आपसे पूछ लेता है, जरा और भी देख लो, अगर कोई आपसे कह देता है D is greater than E, क्लियर, अब D बड़ा है E से, क्या डी हमारा बड़ा है ई से, तो जरा देखो इसमें, अगर इनका रिलेशन किसी ने पूछ लिया, हमें डी से घुसना है और ई पर पहुंचना है, डी से घुसना है ई पर पहुंचना है, क्योंकि इधर से गेट क्या है, ओपन है, ओपन गेट से आप घुसेंगे, क्लोज गेट से आप नहीं घुस पाएंगे, तो यहां से घुसेंगे तो यहां पर क्या है, जा पाओगे, क्या यहां पर डी से जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, देखो डी से चलेंगे दरवाजा क्या है, बंद है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्लियर। हां उल्टा अगर कर दे कोई, क्या कर दे, ई इज ग्रेटर देन डी, तो अब क्या है, क्या डी से ई बड़ा है, यानी कि ई से घुसना है और डी पर पहुंचना है,
तो यहां पर देखो ई से घुस रहे हैं, बिल्कुल सही है, डी पे पहुंच सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर कॉन्सेप्ट दोस्तों, एकदम क्लियर कर लीजिए, या तो बंद बंद आकृति है या खुली खुली आकृति है, तो इसका बाहर वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इसका दाएं और बाएं रिलेशन होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप ऐसे समझना चाहो, इसको बोलते हैं ओपन गेट, मतलब यहां से एंट्री आप कर सकते हो, और इधर है क्लोज, यानी कि दरवाजा बंद है, यहां से आप एंट्री नहीं कर सकते हो। यहां पर ओपन दरवाजा, यहां से आप घुस सकते हो, इधर से आप नहीं घुस सकते, दरवाजा बंद है। क्लियर, इस नियम को भी आप अगर अप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपका आंसर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट में एक आध और लेके चलता हूं। क्लियर, तो ओपन और क्लोज गेट आपने सीख लिया, क्योंकि सब कुछ इसी लाइन में छुपा हुआ है, पूरे चैप्टर का निचोड़ इसी लाइन में छुपा हुआ है। अगर इस लाइन को आपने समझ लिया तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। जैसे देखिए, मैं एक और उठा लेता हूं। क्लियर, देखिए जैसे मैं एक ले लेता हूं कि अगर इस तरीके से दिया है, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं या किसी को भी ले लीजिए, देखिए इसी को ले लेता हूं, तो यहां पर मान लेते हैं क्या ले लिया हमने, ई ले लिया, फिर हमने यहां पे एफ ले लिया, फिर हमने यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी ले लिया। अब यहां पर दरवाजा क्या कर दिया, ओपन कर दिया, अभी क्या था यहां पे, क्लोज था, अब यहां पर एच हो गया, और फिर यहां पर क्या कर देते हैं, मान लीजिए आई हो गया, पहले इसको ले लेते हैं। अब ये बताओ, अभी मैंने आपसे बोला कि अब ये हमारी क्या हो गई, खुली खुली आकृति, क्या हो गई, खुली खुली आकृति। क्लियर, यहां पर बंद बंद थी अंदर की तरफ, यहां अंदर की तरफ खुला खुला, खुली खुली आकृति हो या बंद बंद आकृति हो, क्लियर, बाहर वालों का बाहर वाले से कोई संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब ये बीच में क्या है, ब्रिज है, अगर यहां से ब्रिज हटा दें या तोड़ दें तो क्या ये आदमी इधर जा पाएगा, नहीं, ये आदमी इधर जा पाएगा, नहीं, ये आदमी इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्लियर, अब हमने यहां पर क्या है, जी है, तो अब बाहर वालों का बाहर से कोई संबंध नहीं होता। अगर कोई पूछे कि एफ का क्या एच से कोई रिलेशन होगा, नहीं होगा, क्या एफ का कोई रिलेशन ई से होगा, नहीं होगा, क्योंकि बीच में खुला खुला आया हुआ है, या बंद बंद होता या खुला खुला, बाहर वालों का बाहर वाले से कोई रिलेशन नहीं होगा। कोई अगर कह दे क्या सर इसका इससे रिलेशन होगा, नहीं हो सकता, क्या सर इसका इसका रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर, क्योंकि बीच में क्या है, आकृति खुली खुली है। जैसे ही आप देखेंगे कि बीच की आकृति खुली खुली है या बंद बंद है, बाहर वालों का बाहर वाले से कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर, अब क्या है, अब हमने क्या कहा, क्या इस वाली आकृति का राइट और लेफ्ट में रिलेशन हो सकता है, इधर रिलेशन हो सकता है, यस, इधर रिलेशन हो सकता है। क्या इसका रिलेशन लेफ्ट में हो सकता है, यस, इसका लेफ्ट में रिलेशन हो सकता है। क्लियर, इस आकृति का राइट और लेफ्ट में रिलेशन हो सकता है, लेकिन इस आकृति के बाहर वालों का बाहर से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। आइए देखते हैं, अब कोई अगर यहां से रिलेशन ले इनके इनमें, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई कह दे कि G इज ग्रेटर देन E, क्या सही है, तो दोस्तों इससे बड़ा ये है, क्लियर, इससे बड़ा ये है क्योंकि मुंह इधर खुला है, और इससे बड़ा ये है, तो इससे बड़ा तो ये अपने आप हो गया, यानी कि आंसर करेक्ट है। क्लियर, फिर कोई अगर कह दे EF इज ग्रेटर देन G, क्लियर, EF ग्रेटर देन G, जरा देखो G से घुसना है और E पर जाना है, तो G से घुसना है, E पर जा सकते हो, ये सही है। अगर ओपन गेट का नियम लगाएं कि G से घुस करके E पे पहुंचना है, तो G से घुस के F पे जाएंगे और F से घुस कर इधर, क्योंकि दरवाजा ओपन है, अब यहां से ये करेक्ट है, बट F से घुस करके G पर जाना है, तो F से हमें घुसना है G पर, तो दरवाजा बंद है ना, दरवाजा बंद है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। और यहां पर भी देख लो कि यहां पर F बड़ा नहीं है बल्कि G बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, अब एक और देख लेती है, अगर इस साइड चलते हैं, यहां पर कोई कर दे G इज ग्रेटर देन I, सही है या नहीं, तो G से घुसना है I पे, तो G से घुसेंगे, सही है, दरवाजा ओपन है, फिर दरवाजा ओपन है, यह आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, फिर और चेक करके देख लीजिए, अगर हमने यहां से क्या किया, जी है, अगर जी इज ग्रेटर देन एच कर दिया, जी से बड़ा होना चाहिए एच, क्या जी से बड़ा एच है, तो जी से हमें एच से घुसना है और जी पे पहुंचना है, तो क्या एच से जी पर पहुंच पाओगे, नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, तो इधर क्या है कि अगर चाहे वो बंद बंद आकृति हो या खुली खुली आकृति हो,
इसके बाहर वालों से कोई संबंध नहीं बताया जा सकता है, बल्कि इसका दाहिने और बाएं संबंध बताया जा सकता है, संभव है, लेकिन बाहर वालों का बाहर वाले से कोई संबंध बता पाना संभव नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे समझने की कोशिश करें, ये मान लेते हैं रिवर है, क्लियर, ये रिवर है और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं या कुछ लोग इधर हैं, क्लियर, कुछ लोग इधर हैं, कुछ बंदे इधर हैं और कुछ बंदे इधर हैं, ध्यान से समझिएगा, क्लियर, क्योंकि दोस्तों अगर यही चीज आपने समझ ली तो आपका पूरा चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। यहां पर कुछ बंदे हैं, कुछ बंदे इधर हैं, अगर बताइए यहां पर ये पानी भरा हुआ है या नहर है, नदी है, तो क्या इसका इससे कोई रिलेशन संबंध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, जब तक कि ब्रिज नहीं होगा। अब इसका क्या इनसे कोई रिलेशन बन पाएगा? नहीं। इनका इनसे कोई रिलेशन बन पाएगा? नहीं। मतलब मान लीजिए समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र है, अगर ये व्यक्ति इससे शादी करना चाहता तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि समुद्र पार ही नहीं कर पाएगा। तो चाहे वो बंद बंद हो या वो खुला खुला हो, बाहर वालों का बाहर से कोई संबंध नहीं होगा, बल्कि ये आपस में संबंध बना सकते हैं, ये आपस में संबंध, ये आपस में शादियां कर सकते हैं, इसके साथ भी यहां जो किनारे पर है इधर वाले भी कर सकते हैं और इधर वाले भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बंद बंद या खुली खुली के अंदर जो होता है उसका संबंध दाहिने बाएं तो बताया जा सकता है, लेकिन उसका संबंध जो बचे हैं उसके इधर उधर से नहीं बताया जा सकता है, क्लियर। ओपन गेट और क्लोज गेट से भी समझ लीजिए कहां हमको पहुंचना है, अगर वहां तक का गेट ओपन है तो पहुंच पाएंगे और नहीं है तो दोस्तों नहीं पहुंच पाएंगे, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर। अब इसमें देखते हैं सेकंड रूल क्या आता है। सेकंड रूल इसमें क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सेकंड रूल का मतलब क्या है कि जिसके जिसके बीच संबंध बताना होता है, जिसके जिसके बीच संबंध बताना होता है, उसके उसके बीच में यदि ग्रेटर देन या लेस देन चिन्हों के साथ साथ यदि इक्वल लगा है तो सभी में इक्वल लगेगा, और एक में भी इक्वल यदि छूट गया तो सभी में फिर वो इक्वल नहीं लगेगा। जैसे यहां एग्जांपल समझो, यदि हमने लिख दिया टी, हमने यहां पर लिखा टी इज ग्रेटर देन एम, टी इज ग्रेटर देन एम बराबर, क्या ये बराबर है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? यदि बराबर का चिन्ह सब लगा है तो सभी में लगा होना चाहिए, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो किसी में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो हमारी वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, नहीं तो आप सोचें कि एक बार तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर यहां पर ये ना लगा होता तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं या हो गई, लेकिन यदि इसके साथ ये जुड़ गया तो अब ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक चिन्ह को छोड़ करके हट नहीं सकते। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर हमने कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन हमने इक्वल टू कर दिया सी, क्लियर। तो अब ध्यान दें कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू का संबंध है वो सिर्फ बी के साथ है, ना कि ए के साथ। अगर इसे हम संख्या के रूप में लिखें तो ये मान लेते हैं पांच है और ये इससे ये चार होगा, क्लियर, ये चार होगा और ये संख्या तीन भी हो सकती है, तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना होगा, तीन। कहने का मतलब है कि ये और ये आपस में बड़ा बराबर हो सकता है, लेकिन ए हमेशा सिर्फ बड़ा हो सकता है, ना कि बराबर हो सकता है। तो जो बराबर की कंडीशन है वो किसके साथ है, बड़े बराबर की, बी के साथ, ना कि ए के साथ, क्लियर। तो अब यदि इसी से कोई आपसे पहला क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये आपको दिया है कि सर ए इज ग्रेटर देन सी, क्या हो सकता है? यस, हो सकता है। इससे बड़ा बराबर तीन या चार और इससे बड़ा पांच, तो देखिए इससे बड़ा हो सकता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सर करेक्ट है। अगर इसी में कोई दूसरा आपसे पूछ ले कि ए इज ग्रेटर देन लगा है, अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी,
क्या ये इसके बराबर और बड़ा हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार और तीन है, यहाँ पाँच है, तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ये सिर्फ इससे बड़ा हो सकता है। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। क्लियर? कहने का मतलब जिसके साथ इक्वल का चिन्ह लगा है वो रिलेशन उसके साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, अगर तीसरा एक और हम निकाल के देखें कि अगर यहां पर हम कोई कर दें क्या b इज ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या है, b इज ग्रेटर देन c, क्या b c से बड़ा हो सकता है? लेकिन आपने एक चिन्ह छोड़ दिया। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? इसके साथ बराबर भी लगा है। तो अगर इसमें चौथे में कर देंगे b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब है कि ना तो इसको आप अकेले कर सकते हैं, अगर बड़ा बराबर लगा है तो बड़ा बराबर लगा होना चाहिए। क्लियर? तभी आंसर सही होगा, अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? तो बड़ा और बराबर दोनों की कंडीशन को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लें। क्लियर? कि जिसके साथ यदि ये लगा है तो बड़े बराबर का संबंध सिर्फ इसके साथ है, तो ये इससे क्या है, बड़ा तो दिख रहा है आपको ना कि चार है, लेकिन ये बड़ा बराबर दोनों होगा तभी सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखिए, अगर आपको ये चीज हमने दे दी, मान लीजिए हमने दे दिया टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये लिखा है। अब इससे हम आपको दो चीजें देते हैं, नंबर पहला, क्या इससे ये बन सकता है टी इज ग्रेटर देन एम बन सकता है, और दूसरा क्या टी इज इक्वल टू एम बन सकता है। क्लियर? बताइए कौन सा इसमें सही होगा जो बन सकता है? तो दोस्तों अलग अलग एक भी नहीं बन सकते, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अगर ये दोनों मिल जाएं, तीसरा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो ये क्या होगा? सही होगा। क्लियर? इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, जहां पर बच्चे गलती करके आते हैं। कहने का मतलब a इज ग्रेटर देन इतना अगर लिखा है तो बराबर और बड़े का संबंध सिर्फ b के साथ है, और ये अकेला रहेगा तो गलत हो जाएगा। आप कह सकते हो 20 ग्रेटर देन इतना, लेकिन इक्वल भी लगा है, तो अलग अलग तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर एक साथ जुड़ जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, सही। यही चीज तो अगर ये लिखी है, तो मैंने कहा कि अगर ये चीज लिखी है, जैसे यहां पर लिख दिया तो आप बोल रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत, लेकिन अगर बराबर कर दें तो भी गलत। क्लियर? ये हम अगर ये कर देंगे तो भी रॉन्ग, और ये लिख देंगे तो भी रॉन्ग। क्यों? अगर बराबर लगा है तो बराबर लगा होना चाहिए। तो अब यहां पर देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों अलग अलग गलत हो जाएंगे। यहां से आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? अब ये दो कॉन्सेप्ट थे, तीन कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है, खुला खुला, बंद बंद। क्लियर? और ये इक्वल टू वाला, बराबर वाला हमेशा याद रखना है, और बराबर वाले ऑप्शन सदैव गलत होते हैं। तीसरा रूल क्या है? बराबर वाले ऑप्शन सदैव गलत होते हैं। तो बराबर का मतलब है, आइए वो भी समझा देते हैं, इक्वल टू वाले ऑप्शन सदैव गलत होते हैं। जैसे हमने कर दिया ए ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्लियर, और ग्रेटर देन इक्वल टू पी, अगर ये हमने दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए क्या हमारा ये एम बराबर सी हो सकता है। क्लियर? अब यहां पर आप देखोगे, हाँ सर, ये इसके साथ बड़ा बराबर है, ये इसके साथ बड़ा बराबर है, लेकिन ये सिर्फ बड़ा है, तो क्या ये सही है? दोस्तों ये गलत है। क्लियर? क्योंकि बराबर वाले चिन्ह देखते ही गलत मार दीजिएगा, जैसे ही बराबर का चिन्ह दिखे गलत मार दीजिएगा, क्योंकि हमें इनइक्वलिटी पढ़नी है ना कि इक्वलिटी। यहां पर देखो, अगर कोई कर दे सी इक्वल टू पी, तो सी इक्वल टू पी ये इससे बड़ा बराबर है। क्लियर? जो अगर लिखा है c इक्वल टू p, इसका मतलब है कि c इज ग्रेटर देन p, या लिख सकते हैं cp, तो ये दोनों तो अलग अलग क्या होंगे, गलत होंगे, लेकिन यदि दोनों के बाद ये तीसरा लिखेंगे c इज ग्रेटर देन p, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों अलग अलग क्या हैं, अपने आप में गलत हैं, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये सही हैं। क्लियर? तो यहां से अगर ये है तो देखते ही आंसर मार दीजिएगा क्या है, गलत है। ये दोनों देखते ही, बराबर का चिन्ह देखते ही आप गलत मार देंगे। तीसरा एक और बता देता हूं, मान लीजिए कोई आपसे कर देता है ए इज ग्रेटर देन
ए इज ग्रेटर देन सी, बताइए सही है या गलत है। तो देखिए बड़े बराबर का चिन्ह सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ तो सिर्फ बड़ा है, तो अगर ये इससे बड़ा बराबर है, इससे ये बड़ा है, तो इससे बड़ा ये हो गया, दिस इज वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। क्लियर? तो दोस्तों अभी मैं इस पे एक एक करके आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, तो इतने नियम आपको याद रखना है। ये तीन सिंपल से नियम हैं, बंद बंद, खुली खुली, बराबर, और अगर किसी के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है तो सभी के साथ होना चाहिए, तभी गलत होगा, अदरवाइज तभी सही होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? और बराबर वाले ऑप्शन देखते ही आपको गलत मार देने हैं। ये तीन चीजों के बाद अब हम आपको इस पे लेकर के चलेंगे। क्लियर? कि छोटे छोटे स्टेटमेंट पहले समझाने की कोशिश करेंगे, कथन और निष्कर्ष लेकर के कि कौन सा पहले आप पकड़िएगा सही होगा और कौन सा गलत होगा। क्लियर? तो उसको मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं, हल्क धीरे धीरे चलने दीजिए अगर अच्छे से आपको कमांड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखते हैं, इसके बाद चेक करना सीखते हैं कि इसमें जो प्रश्न है वो क्या है, कथन है। एक कथन में आपको ये चीज दे दी गई, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्लियर? ग्रेटर देन सी। अब आपको निष्कर्ष में बताना है, क्या बताना है कि ए इज ग्रेटर देन बी, कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आगे प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हमने यहां पर दिया, मान लीजिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर यहां पर क्या कर देते हैं, चार, और यहां पर तीन, ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना होगा, बड़ा और बराबर, और ये कितना होगा, दो। अगर इसको हम अंक के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए एक एक चीज, कहने का मतलब दो से बड़ा तीन है, लेकिन ये इससे बड़ा बराबर दोनों कंडीशन है, तो ये तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। अब आओ पहला चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी, तो जरा ये देखो जो बड़ा और बराबर का रिलेशन है वो सिर्फ ए के साथ है, बड़ा और बराबर का रिलेशन सिर्फ ए के साथ है। तो अब यहां पर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब जो ए है ये ए है, और यहां पर क्या है, बी है, और ये सी है। तो ये बताओ कि सी का मान इससे बराबर नहीं है, बड़ा हो सकता है ना, दो कभी नहीं, बड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये वाला क्या है आपका, सही हो गया। क्लियर? आओ ऐसे चेक कर लेते हैं कि ए से घुसना है और सी पर पहुंचना है, तो जरा ए से घुस के सी पर पहुंच सकते हैं। देखिए ए से घुस जाएंगे बी पे और बी से घुस जाएंगे सी पे, तो भी क्या है, सही है, क्योंकि ओपन गेट लगा हुआ है। अब जरा इसको देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो अगर यहां पर देखें ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बराबर का सिर्फ बी के साथ है ना कि सी के साथ। आओ देखते हैं, इसमें देखते हैं कि ए का मान और सी का मान बराबर भी हो और बड़ा भी हो, तो जरा देखो ए का और सी का मान कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो है, ये तीन है, ये तीन और चार हो सकता है, दो नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आओ चेक कर लेते हैं, ए से घुसना है और सी पर जाना है प्लस बराबर के साथ, तो ए से घुसना है बराबर के साथ, लेकिन यहां बराबर नहीं लगा है, तो घुस तो आप जाएंगे लेकिन बराबर नहीं लगा है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही हमने आपको बोला था कि बराबर वाले विकल्प जब भी आपको दिखें, बराबर विकल्प जब भी दिखें देखते ही आपको गलत कर देना है, क्योंकि दोस्तों हमको इक्वलिटी नहीं, क्लियर, इनइक्वलिटी पढ़नी है ना कि इक्वलिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहां पर फोर्थ नंबर पे दिया है b इज ग्रेटर देन c, तो जरा देखो b का मान c से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या कह सकते हो कि b से घुसना है और c तक चले जाएंगे, तो b से c, यहां से घुसेंगे b से c, ऐसे भी इसमें भी देख लो b का मान c से बड़ा है, तो b का मान जो है वो c से क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर? फिर एक और देखते हैं, b
इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बी ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि बी और सी के बराबर भी है और बड़ा भी है। तो जरा देखो इधर, ये बी है ये सी है, ये सिर्फ इससे बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, क्लियर। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर। अब ऐसे भी चेक कर लो कि बी से घुसना है और सी पर पहुंचना है लेकिन बराबर के साथ, तो बी से घुसेंगे सी पर पहुंच जाएंगे बट बराबर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर दोस्तों। फिर चलते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए का मान बी से बड़ा है, तो ए का मान बी से क्या है, बड़ा है। जरा यहां से देखो, ए का मान बी से बड़ा है लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है, बराबर लगा है, तो बराबर तो हम छोड़ नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, ए से घुसेंगे बी पर, ए से घुसेंगे बी पर घुस तो जाएंगे लेकिन यहां बराबर लगा है, यहां नहीं लगा है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत। कहने का मतलब है कि जो इससे ये बड़ा है और बराबर ये, तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना कि एक कंडीशन, क्लियर। तो ये देखो, इसकी वजह से ये भी आपका गलत हो गया और इसकी वजह से ये भी आपके दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये तीसरा बना लेंगे और तीसरा क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये क्या है, सही है। करके देख लो कि ये इससे बराबर भी है, ये इससे बड़ा भी है, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से आपने समझ लिया, क्लियर, तो कभी भी आप कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्लियर, और कौन किसके बराबर है, ये चीजें आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, क्लियर। इतना दोस्तों कर लीजिए, अब आइए आगे चलते हैं, क्लियर। तो ये अभी आप क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा मान बड़ा है और कौन सा मान छोटा है। आइए एक प्रश्न हम और उठा लेते हैं, क्लियर, आइए एक प्रश्न हम और उठा लेते हैं। जिसने इस चीज पर कमांड कर लिया उसका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। देखिए दोस्तों क्या है, यहां कथन में दिया गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी, ये कथन में दिया गया है, क्लियर। ये क्या दिया है, ये कथन दिया है। अब निष्कर्ष नंबर एक, निष्कर्ष एक देखें, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। दूसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्लियर। फिर यहां से तीसरा देखेंगे क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी। फिर यहां पे चौथा देखेंगे क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी। फिर यहां पे पांचवा करके देख लेते हैं, फाइव है बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, क्लियर, बी इज ग्रेटर देन। और लास्ट में सिक्स नंबर है बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्लियर। अब ये आपको इसमें बताना है कि कौन सा दोस्तों बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, क्लियर। तो कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा ये आपको बताना है, क्लियर। तो आइए देखते हैं कौन सा मान बड़ा होगा और कौन सा मान छोटा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट होकर के अगर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब पहले ये हमको दिया गया है, तो अब ऐसे हम समझ लें कि जो बड़ा और बराबर का रिलेशन है वो सिर्फ बी के साथ है। बड़े का और बराबर का रिलेशन अगर इसको हम ऐसे लिख दें, यहां पर मान लीजिए हमने लिख दिया सिक्स, तो सिक्स से बड़ा कितना है बी, और बी का मान कितना रहा होगा, फाइव रहा होगा, क्लियर। और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर चार रहा होगा और यहां पर थ्री, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। अब ऐसे सजाते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ए ये कितना बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ग्रेटर देन इक्वल टू डी, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये मान इससे बी और सी आपस में क्या है, बड़ा बराबर, तो ये चार है, तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, पांच और चार। कहने का मतलब है इस तरीके से आपको लेकर के आगे बढ़ना है, क्लियर। तो बड़ा और बराबर का क्या होगा इसके साथ, आइए फटाक से मार देते हैं आंसर। देखिए तो ए इज ग्रेटर देन सी अगर ये दिया है तो देखो क्या है, ये इसके साथ बड़ा बराबर, इससे बड़ा, कहने का मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। ए से घुसना है सी पर जाना है, ए से घुसना है और सी पर बड़े आसानी से घुस जाएंगे। जरा देखो, ए का मान सी से बड़ा है तो यहां पर क्या है, चार है,
और यहां पर कितना 6 है, तो इसका मान तो इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है, तो अब देखिए इसके साथ क्या है, a के साथ तो इसका मान है नहीं। जरा देखो a और c में, ये c का मान, ये a का मान, ये बड़ा तो हो सकता है बट कभी बराबर नहीं हो सकता। इसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि देखिए केवल बड़ा और बराबर का रिलेशन b और c के साथ है, ना कि a के साथ सिर्फ बड़ा हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, b इज ग्रेटर देन c, अगर b इज ग्रेटर देन c, b का मान c से बड़ा है, तो b का मान c से बड़ा है, लेकिन जरा देखो यहां पे b का मान c से बड़ा भी है और छोटा भी है, ए बराबर भी है, तो बड़ा बराबर दोनों होगा तब सही होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहां पर जो बड़ा बराबर है ये गलत हो जाएगा, देखो कैसे, b से घुसना है c पर जाना है, तो b से घुसना है c पर जाना है, लेकिन यहां पर दो चिन्ह लगे, यहां पे एक लगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। हमेशा याद रखिए एक कंडीशन कभी भी सही नहीं होगी। अब यहां पर देखो a इज ग्रेटर देन d, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जरा देखो d से क्या ये बड़ा नहीं है, यहां 3 है, यहां 6 है, बड़ा है। आप जाना भी चाहते हो तो चल के भी देख लो, ओपन गेट से ए से लेकर डी पे पहुंचना है, तो ए से बी पहुंच जाएंगे, ए से बी पहुंच जाएंगे, ए से ये पहुंच जाएंगे, सभी क्या हैं, ओपन गेट हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी अगर दिया है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी दिया है, तो ध्यान से देखें सभी बच्चे कि बी और डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये सिर्फ बड़ा हो सकता है। तो डी का मान है 3 और B का मान है 5 और 4, केवल बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों कितना सिंपल है बता पाना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होके देखना है। क्लियर। बड़ा बराबर जिसके साथ होगा केवल उसी के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। अब आते हैं नीचे देखते हैं, तो नीचे क्या दिया है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c दिया है, तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो देखिए b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आओ यहां चेक कर लेते हैं, c का मान 4 है तो 4 भी हो सकता है, b का मान बड़ा है तो बड़ा भी हो सकता है, इसका मान ये क्या हो जाएगा, मैं बगल में b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। क्लियर। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, कहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों का? अगर किसी के कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम से पूछ सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपने ये पता करना सीख लिया कि कौन सा मान बड़ा है, कौन सा मान छोटा है, इन निष्कर्षों में कौन से सही, कौन से गलत। क्लियर। अब आइए चलते हैं कि जब आपको कथन अलग अलग दिए होते हैं और उन कथनों को पहले आपस में जोड़ना होता है, आपस में पहले कथनों को हम जोड़ेंगे, इसके बाद हम पता करेंगे कि कौन सा मान बड़ा होता है और कौन सा मान छोटा होता है। क्लियर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कथन। अब सबसे पहले कथन में ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले छोटा छोटा लेके चलते हैं, जैसे सबसे पहले दिया ए कथन है, चलिए लिख देता हूं, यहां पर लिख लें कथन। क्लियर। अब कथन में क्या दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी कॉमा यहां पर सी इज लेस देन बी। क्लियर। सी इज लेस देन बी, यहां पर क्या हो जाएगा, सी इज लेस देन बी, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। अब आपको चाहिए निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष आपको बताना है क्या सही होगा और क्या गलत होगा। पहला इसमें निष्कर्ष है ए इज ग्रेटर देन सी, और दूसरा इसमें निष्कर्ष है, क्लियर, दूसरा इसमें निष्कर्ष है अगर इसको देंगे कि C इज ग्रेटर देन B। क्लियर। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा, इन दोनों का प्रयोग करके कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा कि जो कथन हमको इनइक्वालिटी के अलग अलग दिए होते हैं, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हम एक साथ लाते हैं या एक साथ सजाते हैं। तो सबसे पहले एक साथ का मतलब इससे समीकरण एक तैयार करेंगे, तो इन दोनों से एक समीकरण जो हम तैयार करेंगे वो देखिए क्या होगा कि यहां पर क्या है, ए ग्रेटर देन बी। क्लियर। और जो हमारा बी बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है सी से, तो यहां पर बी बड़ा होगा सी से।
क्लियर। तो कहने का मतलब जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो यही चीज लिखी जाएगी। क्लियर। अब हमारा यहां पर क्या बन गया, एक समीकरण बन गया जो अलग अलग दो चीजें लिखी थी। जरा पहला वाला बंद कर लो तो ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर। और जब हम यहां पर ये बंद कर लेंगे तो ए इज ग्रेटर देन बी, और जब पहला बंद कर लेंगे तो बी इज ग्रेटर देन सी। देखिए जो आप इधर को चिन्ह लगे इसका मतलब बी बड़ा है, तो अगर इधर कर देंगे तो भी तो बी बड़ा है। तो ये हमने दोनों को एक साथ अटैच कर दिया। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो जरा देखो ए इज ग्रेटर देन सी के ए, अगर मान लीजिए ये चार है तो ये पांच है और ये छह है, तो बताओ एक से ए का मान सी से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चल के भी देख लो, ए से घुसना है और सी पे पहुंचना है ओपन गेट से, तो ए से ओपन है बी पे पहुंच जाएंगे, बी से भी ओपन है सी पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो ओपन और क्लोज गेट से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा यहां पर देखें, अगर यहां पर दिया है सी इज ग्रेटर देन बी, क्या सी बड़ा है बी से, तो सी बड़ा है बी से नहीं, छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चल के देखो, सी से घुसना है और बी पर पहुंचना है, सी से घुसना है, सी से घुसेंगे दरवाजा क्या है, बंद है, इधर आप जा नहीं सकते, इसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या होगा, दो से तीन कथन दिए होंगे, उन दो से तीन कथनों को पहले ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद फिर आपको निष्कर्ष बताना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आइए नेक्स्ट निष्कर्ष लेके चलते हैं, आइए नेक्स्ट निष्कर्ष लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सभी बच्चे यहां पे एक और ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे जो है लिखा हुआ है, ध्यान दें, देखिए क्या है, अगर दिया है ए ए ग्रेटर देन बी कॉमा सी लेस देन ए। क्लियर, लेस देन ए, ये दो अलग अलग हैं। अब यहां पर निष्कर्ष पहला आपको बताना है। देखिए निष्कर्ष पहला क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी, और दूसरा निष्कर्ष यहां पर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन सी। क्लियर। अब जरा इनमें ध्यान से समझे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा। तो सबसे पहले ये जो दो नीचे समीकरण दिए हैं इससे ऐड करके एक समीकरण बनाते हैं। अब दो से जब हम एक समीकरण बनाते हैं तो कैसे होगा, आओ देखो। सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन कितना है बी, ग्रेटर देन बी हो गया। लेकिन अब जो सी से बड़ा ए है, तो सी से बड़ा ए होने का मतलब है कि अगर इसके आगे हम ये लगा के ये कर दें तो हमारा ये दोनों अटैच हो जाएगा कि नहीं। क्लियर। देख लो, अगर हम इसको पहला वाला दिखाना है तो इसको बंद कर लें, पहला वाला दिख रहा है कि नहीं। अगर हमको सी से बड़ा ए है तो इसको बंद कर लें, तो सी से बड़ा ए है कि नहीं। क्लियर। अब देखो ये कौन सा गेट बन गया, बंद बंद नहीं, खुला खुला अंदर की तरफ, दोनों मुंह अंदर तरफ खुल रहे हैं, और जब खुला खुला अंदर की तरफ होता है तो बाहर का बाहर से कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता है, केवल ए का राइट और लेफ्ट बताया जा सकता है, ये नियम बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि बी और सी, तो बताओ ये बी और सी तो कभी रिलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, बंद बंद एक खुली खुली के बाहर वाला है। आओ ऐसे भी देख लो, बी से घुसना है और सी पे पहुंचना है, तो बी से घुसने जैसे ही अंदर घुसेंगे दरवाजा बंद है। क्लियर। बी सी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या है, ए से घुसना है और सी पर पहुंचना है, तो ए से घुसना है दरवाजा खुला है, ए से घुसना है सी पर पहुंच जाएंगे, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। ये हमारा इसमें क्या है, सही है। क्यों, ए का मान बड़ा है सी से, तो ए का मान बड़ा है सी से, क्योंकि ए का इधर तो बताया जा सकता और इसके साथ इधर रिलेशन बताया जा सकता, बट इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं बताया जा सकता, तो ये दो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, इतना नोट कर लें। तो सबसे पहले जो यहां पर दिया होता है उसको क्या करना होता है, एक समीकरण बनाना होता है। तो आइए मैं और एक आध आपको लेके चलता हूं। क्लियर दोस्तों, दुनिया का कोई प्रश्न नहीं फंसेगा, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और समझना है, रटना नहीं है कि आपने दो चार वैल्यू याद कर ली और आपका काम हो जाए, ऐसा मत करिएगा। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है, ध्यान से समझें सभी बच्चे।
देखिए सबसे पहले यहां पर कथन में दिया गया है एस ग्रेटर देन एम या लेस देन एम, कुछ भी कह सकते हो, जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। फिर यहां पर कॉमा, फिर यहां पर कॉमा है एम ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एल, फिर कॉमा है यहां पे एल ग्रेटर देन इज इक्वल टू जेड। क्लियर? ये अब देखो इस बार तीन अलग अलग दिए हैं, कथन है तीन अलग अलग दिए हैं, अब आपको निष्कर्ष बताना है। तो निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष दोस्तों पहला दिया गया है यस, निष्कर्ष पहला है यस लेस देन जेड। दूसरा निष्कर्ष है, निष्कर्ष नंबर दो है निष्कर्ष नंबर एस लेस देन इक्वल टू एल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा, तो ध्यान से पहले समझें सभी बच्चे, क्योंकि अब इसके बाद नहीं बताऊंगा। क्लियर? ध्यान से देखो, सबसे पहले जो कथन अलग अलग दिए होते हैं इनसे हमें सबसे पहले एक समीकरण बनाना होता है, और इनसे एक समीकरण हम तैयार करते हैं। आइए देखिए एक समीकरण क्या होगा। यहां पर हमने क्या बनाया, यस। अब यस जो बड़ा है वो एम से बड़ा है, ये एस से बड़ा एम है, तो हमने क्या कर दिया, अगर हम इधर ले लेकिन एम इधर भी है। क्लियर? तो एम इधर भी है, चलो कर देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, एम, एस से बड़ा एम हो गया। अब जो एम बड़ा है वो एल से बड़ा है, तो एम हमारा बड़ा है, एम बड़ा है, मतलब ऐसे हो गया एम बड़ा है किससे, एल से, तो एम बड़ा हमने कर दिया एल से, एम बड़ा है एल से। अब आ जाओ इस पे, ये दोनों अटैच हो गए आपस में। अब जरा देखो, इसको बंद कर लेंगे तो ये पहला दिखेगा, और इसको बंद कर लेंगे तो ये दूसरा दिखेगा। अब जरा देखो तीसरा है, जो हमारा L बड़ा है और इक्वल है Z से, तो यहां पर देखेंगे L बड़ा है, बड़ा और इक्वल है किससे, Z से। क्लियर? ये समीकरण बनके हमारा तैयार हो गया। क्लियर? अब ये जैसे ही समीकरण बनके तैयार हो गया, अब आप कोई भी इनका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले तीनों से हम क्या करते हैं, एक समीकरण तैयार करते हैं, और ये समीकरण देख लीजिए कैसे तैयार होता है, गलती यहीं पर बच्चे करते हैं। तो जैसे ये हो गया, अब हम इन दोनों का आंसर दे पाएंगे। तो दोनों का आंसर देने के लिए देखें सभी बच्चे, यहां पर क्या हो जाएगा, जेड से घुसना है और एस पर पहुंचना है, जेड से घुसना है एस पर पहुंचना है, तो बीच में देखो खुला खुला है, और खुले के बाहर कभी भी रिलेशन नहीं बताया जा सकता, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? आप जेड से एस में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, देखो जेड से जैसे ही चलेंगे दरवाजा बंद है। क्लियर? क्लोज गेट है, जब क्लोज गेट है तो जा ही नहीं सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्या, देखो यहां पर क्या है, खुला खुला अंदर की तरफ है, तो खुला खुला जब अंदर की तरफ हो या बंद बंद अंदर की तरफ हो, तो बाहर वालों का बाहर से कोई रिलेशन नहीं बता पाते हैं, बताया जा सकता, तो ये गलत हो गया। अब एस एल इज ग्रेटर देन एस है, तो जरा यहां देखो क्या होगा, एस एल, तो ये भी हमारा बाहर वालों के साथ है क्योंकि ये ओपन है, इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, निष्कर्ष असत्य हो जाएंगे या गलत हो जाएंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट, हम आपको, आपने क्या सीखा, अगर आपको ये सीधा दिया है तो बड़ा छोटा कोई भी आप चूज कर लेंगे, अगर आपको दो से तीन टाइप के दिए गए हैं कथन में तो उनसे एक समीकरण बनाएंगे। क्लियर? आइए एक और बता ही देते हैं, चलिए लेटेस्ट है इसलिए दिखा देता हूं, ये उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, नोट कर लीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक और बता देता हूं, इसमें देखिए दोस्तों कैसे, इसको हटा देता हूं। अब जब भी अलग अलग देगा उससे एक समीकरण बनाना होगा। क्लियर? एक समीकरण बनाना होगा, तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर यहां पर दिया गया मान है इस स्टेटमेंट में, देखिए कथन में क्या है, ओ बराबर आर, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ओ बराबर आर कॉमा, दूसरा है, दूसरा है पी बराबर एन, पी बराबर एन ग्रेटर देन आई। क्लियर? ग्रेटर देन आई, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा है यहां पे एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉमा, फिर हमारा है एन इज ग्रेटर देन एम, एन इज ग्रेटर देन एम। अब जरा इसमें बताओ कितने हैं,
एक दो तीन चार, यहां पर कॉमा लगा हुआ है, क्लियर। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, इसलिए इसको आप बड़ा मत समझ लीजिएगा। ये पार्ट दोस्तों अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, क्लियर, इसको बड़ा मत समझ लीजिएगा। अब इसमें निष्कर्ष जो आपसे पूछा गया है कि बताना है आपको कि कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा, इसमें बताना है कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ओ इज लेस देन एन, दूसरा ऑप्शन बी था आर इज लेस देन एन, ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी था यन इज लेस देन आई, ऑप्शन डी था ओ इज इक्वल टू आई, क्लियर, ओ इज इक्वल टू आई। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सत्य है चार में। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि दोस्तों सबसे पहले इसको हम इन चारों को एक समीकरण में सजोएंगे या एक समीकरण तैयार करेंगे। तो देखिए एक समीकरण तैयार कैसे होगा, सभी बच्चे यहां देखें, अगर देखिए यहां पर यह दिया गया है, क्लियर, अगर यहां पर एक समीकरण हमें तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, इसी को ले लेते हैं। देखिए क्या समीकरण बनेगा, O इज इक्वल टू R, पहला वाला हमने नोट किया। अब R का रिलेशन M के रूप में दिया है, जरा यहां देखो तो क्या हो जाएगा, M बड़ा हो जाएगा R से, तो R से बड़ा हो जाएगा M, R से बड़ा हो जाएगा M। अगर इसको बंद कर लें तो बात यही है, केवल चिन्ह बदला नहीं है, जिधर मुंह खुलता उधर बड़ा होता है। तो देखिए इधर की तरफ मुंह खोल दिया, अभी इधर खुला था इधर खोल दिया, बात तो एक ही है ना। अब यहां से ये भी गया ये भी गया, अब यम का रिलेशन एन के साथ है, तो एन का मान बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, एन का मान बड़ा है किससे, यम से, तो एन का मान बड़ा है एन से। अब ये बचा, अब हम जानते हैं एन बराबर पी है, तो एन बराबर क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, और एन का मान क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, आई से। ये दोस्तों समीकरण में आपने तैयार कर लिया, क्लियर, देख लीजिए ये समीकरण तैयार होगा इससे, जिसके अंदर ये भी समा गया, ये भी समा गया, ये भी समा गया, ये भी समा गया, एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से चेक करना है कि कौन सा मान एग्जैक्ट करेक्ट होगा, आइए देखते हैं। तो हमें I इज ग्रेटर देन O, I और O में रिलेशन निकालना है, तो देखिए I और O के बीच में क्या है, ओपन है, खुला खुला है, तो बाहर वालों का कोई रिलेशन आप नहीं बता सकते, या आप कहें कि I से घुसना है O तक पहुंचना है, तो देखिए I से जैसे ही घुसना स्टार्ट करेंगे दरवाजा बंद है, क्लोज गेट है, तो इसके वजह से यह क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है एन से घुसना है आर तक जाना है, तो जरा देखो यहां से एन से घुसेंगे एम पर पहुंचेंगे, एम से घुसेंगे आर पर पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। बड़ा और बराबर का रिलेशन, बड़ा और बराबर का रिलेशन सिर्फ एम के साथ है, इसके साथ तो बड़े का है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगर बराबर लगा दे यहां पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, सिर्फ बड़ा का रिलेशन है इसके बीच, ना कि वर्कुअल का। अब आई से घुसना है एन पे, तो आई से तो घुस नहीं सकते, ये गलत हो गया। ओ बराबर देखते ही गलत कर देना है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी पढ़नी है ना कि इक्वलिटी, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। ये आपने तीन चीजें सीखी, अगर कोई चीज दिया है बड़ा छोटा कैसे क्लियर करेंगे, अगर कोई समीकरण दिया है तो कैसे बनाएंगे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, एक इसमें चीज बचती है, पहले उसको कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, क्लियर। या तो की कंडीशन, एक इसमें बचता है या तो की कंडीशन, या तो को अगर हमने समझ लिया तो दोस्तों हम फिर चलेंगे इसके एक कंप्लीट प्रश्नों पर, क्लियर, कंप्लीट प्रश्न पर चलेंगे। तो इसका थोड़ा सा एक पार्ट और बचा है, देख लीजिए, या तो, क्लियर, या तो हेडिंग डाल लें, या तो का मतलब है, केले का मतलब यह है, या तो पहला या तो दूसरा। जैसे मान लीजिए आप दो भाई हो, क्लियर, आप दो भाई हो, और मान लीजिए माता जी कमरे में दूध रख के जाती हैं, क्लियर, और दो भाई हो और उसमें से बोल के जाती हैं कि दूध पी लेना। अब उसमें से एक गिलास था, किसी एक ने पी लिया और आप दोनों लोग गायब हो गए, अब माता जी आई तो क्या सोचेंगी, या तो बड़े बच्चे ने पिया या तो छोटे बच्चे ने पिया, लेकिन दूध पिया, या तो पहला या तो दूसरा। जैसे या तो की कंडीशन को ऐसे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, जैसे देखिए या तो की कंडीशन को आप ऐसे समझेंगे
पहले इसको मैं समझाता हूं। जैसे अगर हमने कर दिया मान लीजिए टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये कथन दिया है, ये हमारा क्या है कथन दिया है। अब यहां से निष्कर्ष हमने एक निकाला कि टी इज ग्रेटर देन एम, एक निकला, और यह हम कहेंगे दूसरा कि दूसरा क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम, क्लियर। ये दोनों अलग अलग क्या हो गए, अब इसको जब हम लिखेंगे तो दोनों अलग अलग तो गलत हैं, लेकिन अगर ये इससे मिल जाए या ये इससे मिल जाए तो हमारा या तो की कंडीशन बनेगी, तो ऐसी कंडीशन में बनता है या तो पहला या तो दूसरा, ऐसी कंडीशन में बनता है या तो पहला सत्य है या तो दूसरा सत्य है। अलग अलग तो दोनों गलत, क्लियर, अलग अलग तो दोनों गलत, लेकिन एक चौथा ऑप्शन दिया होता है या तो पहला या तो दूसरा। अब देखो या तो पहला या तो दूसरे में क्या होता है, क्लियर, ये कंडीशन नोट कर लीजिए। या तो के लिए अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है कथन, तो अलग करेंगे तो टी इज ग्रेटर देन एम होगा और टी इज इक्वल टू एम होगा। अलग अलग तो दोनों गलत हैं, लेकिन यदि ये आपस में मिल जाएं तो या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, तो या तो पहला सत्य हो जाएगा या तो दूसरा सत्य हो जाएगा। तो या तो पहला या तो दूसरा सत्य है, क्या बनता है या तो पहला या तो दूसरा सत्य है, राइट। आइए नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, क्लियर, या तो पहला या तो दूसरा सत्य है। ऐसे समझो, ऐसे समझो इसी चीज को, देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये क्या है, कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, यहां पर लिखा हुआ है पेन प्लस पेंसिल, क्लियर, एक पेन और पेंसिल और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, क्लियर, गेट कीपर खड़ा हुआ है। अब यहां पर ध्यान से देखें कि कुछ देर पहले एक बंदा यहां से जाता है एग्जाम देने, इसका नाम मान लेते हैं कल्लू है, इसका मान क्या है, नाम लेते हैं इसका नाम कल्लू है। अब कल्लू एग्जाम देने जाते हैं तो गेट कीपर इनको रोकेगा और इनसे पूछेगा भाई साहब पेन और पेंसिल लाए हो एग्जाम देने के लिए, तो कल्लू बोलते हैं कि नहीं मैं क्या लाया हूं, सिर्फ पेन लाया हूं, पेंसिल नहीं लाया हूं। तो कल्लू पेन लाते हैं तो ये गेट कीपर इनको वापस कर देता है, और ये जब वापस करेंगे तो कल्लू को मान लेते हैं यहां पर भेज देता है, क्लियर, इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में। कल्लू कहां चले गए, इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में जाकर के बैठे हुए हैं, क्लियर, ये क्या है, कंपनी गार्डन है। अब दोस्तों क्या है, कुछ देर बाद एक और आते हैं, ये मान लेते हैं बबलू हैं, ये मान लेते हैं ये कल्लू हैं, ये बबलू हैं। अब कुछ देर बाद बबलू आते हैं और गेट कीपर रोकता है भाई साहब पेन और पेंसिल लाए हो, तो ये बोलते हैं नहीं सर हम पेंसिल लाए हैं, क्लियर, अब ये पेन लाया था ये पेंसिल लाए, तो इन्हें भी ये टर्मिनेट कर देगा और ये भी यहां से कहां पहुंच गए थे, यहां, और ये भी यहां से कहां पहुंचेंगे, कंपनी गार्डन, ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर खाली बैठे या टाइम पास हो जाए। तो यहां से जब ये यहां पहुंचेंगे तो ये यहां पर पहुंच गए, क्लियर, ये यहां पहुंच गए, ये कौन है बबलू, क्लियर। अब दोनों कंपनी गार्डन में बैठे हैं, इनके पास क्या है पेन है, इनके पास पेन है, इनके पास पेंसिल है, क्लियर, इनके पास पेन है और इनके पास पेंसिल है। तो अब जरा दोस्तों ध्यान से देखिए, अब ये आपस में बातें कर रहे हैं, अलग अलग तो दोनों एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ना तो कल्लू एग्जाम दे पाए और ना बबलू एग्जाम दे पाए, क्लियर। तो कहने का मतलब जो यहां पर देखिए टी इज ग्रेटर देन एम था, टी इज ग्रेटर देन एम था, पहला क्या था टी इज ग्रेटर देन एम, तो अकेले ये भी नहीं एग्जाम दे पाए, अकेले ये गलत है, और दूसरे नंबर पर चलोगे तो टी इज इक्वल टू एम, अकेले ये भी गलत है। तो ना तो कल्लू एग्जाम दे पाया ना बबलू एग्जाम दे पाया, लेकिन अब ये दोनों आपस में बात करते हैं और ये पूछते हैं कि भाई साहब ये बताओ आपके पास क्या है, पेन है कि आप यहां कैसे, ये इनसे पूछेंगे ना भाई साहब आप यहां कैसे बैठे हो, तो ये भी पूछेंगे भैया आप यहां कैसे बैठे हो, बोले भाई साहब एग्जाम देने आए थे मेरे पास पेंसिल नहीं थी इसलिए मैं नहीं एग्जाम दे पाया, इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे भाई साहब मेरे पास पेन थी इसलिए मैं नहीं दे पाया। तो अब संभावना बनी, क्या संभावना बनी, कि या तो कल्लू एग्जाम दे लेगा या तो बबलू एग्जाम दे लेगा। अगर ये इसको पेन दे दे तो कल्लू दे लेगा,
अगर ये इसको दे दे तो बबलू एग्जाम दे लेगा, क्लियर। यानी कि संभावना बनी, अगर ये अलग अलग तो दोनों गलत, लेकिन यदि ये आपस में मिल जाएं तो क्या हो जाएगा, टी इज ग्रेटर देन एम, तो क्या हो जाएगा, अब ये कौन सा एग्जाम दे पाएगा, या तो कल्लू या तो बबलू। अब जो समझदार होगा वो दे देगा, क्लियर। तो एग्जाम्पल दोस्तों उम्मीद करता हूं एकदम समझ में आ गया होगा। तो या तो की कंडीशन ऐसे होती है कि या तो बबलू लेकिन एक एग्जाम दे लेगा, संभावना बन गई कि अलग अलग तो दोनों नहीं दे पाए, ना कल्लू दे पाएगा ना बबलू दे पाएगा, लेकिन अगर दोनों आपस में मिल जाए तो या तो कल्लू या तो बबलू एक एग्जाम दे लेगा। तो इसलिए या तो की कंडीशन बनती है। या तो की कंडीशन दोस्तों अगर 5 प्रश्न दिए हैं तो एक या तो की कंडीशन अवश्य बनती है, क्लियर। तो यहां तक दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी थ्योरी एकदम से क्लियर हो गई होगी, और यदि आपने थ्योरी क्लियर कर ली, क्लियर, अगर आपने थ्योरी क्लियर कर ली तो मैं समझता हूं कि अब इनइक्वालिटी के मेन प्रश्नों पर आप पहुंच जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो या तो की कंडीशन भी आपकी क्लियर हो गई, अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कंडीशन है इनइक्वालिटी में। आइए जैसे देखिए, अगर इसको हम एक को सॉल्व करें, क्लियर। देखिए प्रश्न अभी लेटेस्ट में आया है, B इज ग्रेटर देन C इक्वल टू D ग्रेटर देन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू EF, क्लियर, इज इक्वल टू EF। अगर ये दिया है तो ध्यान से सुने, अब ये कथन है, आपको निष्कर्ष बताना है, क्लियर। D ग्रेटर देन इक्वल टू A, क्या ये सत्य होगा, या दूसरा आपको मिलेगा इसमें B ग्रेटर देन इक्वल टू F। अब आपको बताना है इसको देख करके, ये आपको समीकरण बना बनाए मिला था और पूछ लिया था, बताइए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्लियर। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, सिंपल है, ये बना बनाया है, इसमें बनाना नहीं है। अब जरा हम ये सिंपल देखें कि अगर हम D से घुसें और A तक पहुंच जाएं, और किसके साथ, बराबर के साथ। तो जरा देखो यहां पर E बराबर D है, हमें E की आवश्यकता नहीं है, अगर E को हम हटा भी देंगे क्योंकि A बराबर D है, चाहे हम E बराबर D A का मतलब है, चाहे हम A रखें चाहे E रखें, तो इस जगह पर हम क्या रख दें, A रख दें। तो जरा ये देखो कि अगर D से घुसेंगे A पर, तो D से घुसेंगे A पर और बराबर के साथ ये क्या हो गया, सही हो गया, क्लियर। या हम E की जगह D रख सकते हैं, भाई E बराबर D है तो यहाँ पर क्या था, E बराबर D था तो हमने A रख दिया, बात तो एक ही है ना, हमें A की आवश्यकता है। अब यहाँ देखो B और F बराबर में है, तो B और F, अब यहां देखो B से घुसना है और F पर जाना है प्लस बराबर के साथ, तो B से हम घुस तो जाएंगे, लेकिन यहां बराबर नहीं है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर। कितना सिंपल प्रश्न था और आया हुआ एग्जाम में, क्लियर। तो दोस्तों अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न आप कर लेंगे, क्लियर, और छोटे छोटे प्रश्न आप कर लीजिएगा। आइए जैसे एक और दिखा देता हूं, ये भी आया हुआ एग्जाम में है, क्लियर, फिर हम एकदम से मेन प्रश्नों पर पहुंच जाते हैं। देखिए क्या है, सभी बच्चे यहां देखें, अगर दोस्तों यहां पर स्टेटमेंट में दिया है, स्टेटमेंट या कथन कर लो, क्लियर, स्टेटमेंट में आपको दिया था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, फिर यहां पर क्या दिया था, टी, फिर यहां पर दिया था बी, क्लियर, यहां पर दिया था बी, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां दिया था एक्स, फिर बराबर क्या था, बाई, और फिर क्या था यहां पे, पी, ये था। अब जरा ध्यान से देखो इसमें निष्कर्ष, इसमें क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या है, ये कथन था, ये निष्कर्ष, पहला एक नंबर में था ए इज ग्रेटर देन एक्स, और दूसरा था हमारा P is less than B। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट दोस्तों बना बनाया मिला हुआ है, दुनिया का कोई प्रश्न नहीं फंसेगा, जितना मैंने अगर बताया है उतना आपने कर लिया। आइए दोस्तों क्या है, ध्यान से समझें सभी बच्चे,
ए से घुसना है, एक्स पर पहुंचना है। तो देखिए ए से घुसना है और एक्स पर पहुंचना है, और किसके साथ? सिंगल। तो बड़े और बराबर का रिलेशन सिर्फ इसके साथ है, बड़े और बराबर का रिलेशन सिर्फ इसके साथ है, क्लियर। और तो सब क्या है? ग्रेटर देन है। तो अगर यहां से हम यहां घुसे, फिर यहां से हम यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, और यहां से यहां भी पहुंच गए, और हमें क्या है? ए की संबंध बताना है। तो ए का एक्स से सिर्फ बड़े का संबंध है, बराबर का तो है नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? सही हो गया। और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं और जो एग्जाम में करेक्ट में पूछे गए हैं, इन्हें आप कर लेंगे, क्लियर। तो अब दोस्तों हम क्या चलेंगे कि जो एक कंप्लीट प्रश्न, क्लियर, तो कंप्लीट प्रश्न बताएंगे इसमें कि इनइक्वालिटी का एक कंप्लीट प्रश्न क्या होता है। अब इसमें कंप्लीट प्रश्न क्या होता है, देखिए मैं जैसे आपको हिंट दे देता हूं, इसमें इस तरीके से प्रश्न बनेंगे कि पी एट द रेट क्यू का अर्थ है, क्लियर, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है कि P ना तो Q से बड़ा है और ना ही Q से छोटा है, इसका मतलब बराबर होगा, क्योंकि आपकी हमेशा इसमें तीन कंडीशन पढ़नी थी। क्या पढ़ना है? या तो ग्रेटर देन, या तो भाई आपसे बड़ा होगा, या तो आपका भाई आपसे छोटा होगा, या तो आपका भाई बराबर होगा। तीन ही चिन्ह होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। जो ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है वो क्या है? बड़ा बराबर। ये क्या होता है? छोटा बराबर। तो तीन ही चिन्ह मैन है, इसके बाद इन दोनों से ये बनते हैं। तो तीन कंडीशन बनती है कि P प्लस Q का अर्थ है ये, क्लियर। और इसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, इसके जो चार ऑप्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, निष्कर्ष पहला सत्य है, निष्कर्ष दूसरा सत्य है, निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य है, निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों गलत, या तो पहला या तो दूसरा, क्लियर। इस तरीके से आपको क्या देगा? उत्तर जांच करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक कंप्लीट प्रश्न आपको बताता हूं, क्लियर, और इसके बाद जो कंप्लीट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, अगर ये छोटे छोटे प्रश्न सभी छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बैंक, पीओ और अदर बड़े एग्जाम आप देखेंगे तो जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आसान है। अगर इतना आपने सीख लिया, क्लियर, तो दुनिया का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं फंसेगा। बस दोस्तों जो मैं पीडीएफ फाइल आपको दे रहा हूं उसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको एक एक करके सॉल्व कर जाइए, क्लियर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।